and welcome to our new lecture, Biological Classification. Biological classification is stand for living organisms categorization. Biological classification is the scientific procedure to arranging the living organisms on the basis of their similarities and dissimilarities. That means living organisms जो कि लिविंग कंडीशन में हमारे ऑल ओवर अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज यानी कि सच कैरेक्टर्स के बेसिस पर उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करना ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। लास्ट चैप्टर्स में हमने क्लासिफिकेशन के कैटेगरीज के बारे में स्टडी किया था। क्लासिफिकेशन की जो कैटेगरीज होती हैं उनके अकॉर्डिंग जो लार्जेस्ट कैटेगरी है दैट कैटेगरी इज कॉल्ड किंगडम। तो किंगडम के अकॉर्डिंग ही क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है। फर्स्टली हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में ये बात करते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। डिफरेंट डिफरेंट एराज में डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके के किंगडम्स को क्लासिफिकेशन में एड ऑन किया। इन किंगडम्स को एड ऑन करने की वजह से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ डिफरेंट टाइप्स और काइंड्स बनते हैं, जिसको हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन आता है, उसके बाद एक एक किंगडम एड होने की वजह से अलग अलग तरीके के किंगडम्स हमको पढ़ने मिलते हैं। फर्स्ट टू किंगडम क्लासिफिकेशन, सेकेंड थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। टू किंगडम क्लासिफिकेशन इज प्रपोज्ड बाय लिनियस। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बहुत इजीली कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पर प्लांट और एनिमल किंगडम में डिवाइड कर दिया गया, जो कि लिनियस साइंटिस्ट के थ्रू हुआ। लिनियस साइंटिस्ट ने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के अकॉर्डिंग इन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। प्लांट किंगडम में ऑब्वियसली प्लांट्स इंक्लूड होते हैं एंड एनिमल किंगडम में एनिमल इंक्लूड होते हैं। उसके बाद सेकंड साइंटिस्ट जो थे हमारे अर्नेस्ट हैकल, उन्होंने इस किंगडम्स में एक नया किंगडम ऐड किया, दैट इज प्रोटिस्टा। लिनियस ने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के साथ ही कुछ माइक्रोब्स को भी देखा, लेकिन उनके लिए कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं दी। इसके लिए अर्नेस्ट हैकल ने एक स्पेशल कैटेगरी बनाई जिसको हम प्रोटिस्टा बोलते हैं। तो अर्नेस्ट हैकल के अकॉर्डिंग जो तीसरा किंगडम आता है दैट इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है हमारा, ये अर्नेस्ट हैकल के अकॉर्डिंग एड किया हुआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए एक न्यू किंगडम है। इसके बेसिस पर हमारे पास थ्री किंगडम्स हो जाते हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड प्रोटिस्टा किंगडम। तो प्लांट किंगडम को इन्होंने प्लांटी नाम दिया, इसको हम बोल सकते हैं किंगडम प्लांटी। एनिमल को एनिमेलिया, जिसको हम किंगडम एनिमेलिया बोलेंगे। एंड द थर्ड इज प्रोटिस्टा विच इज इन्वॉल्व फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। इस फोर किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था कोपलैंड साइंटिस्ट ने 1956 में। जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन है इसमें इन्होंने सेल, जो कि हमारा बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ होता है, उसके अकॉर्डिंग, उसके टाइप के अकॉर्डिंग इन्होंने प्रोटिस्टा को भी डिवाइड कर दिया मोनेरा में। यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल होती है टू टाइप की, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, उन डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग इन्होंने यानी कि कोपलैंड साइंटिस्ट ने प्रोटिस्टा और मोनेरा को यानी कि यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के कैरेक्टर्स के बेसिस पर टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। उनके अकॉर्डिंग किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड होती हैं और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड होती हैं। उसके बाद प्लांटी और एनिमेलिया सच एज वैसे ही इसको रखा गया। ठीक है,
देन आता है हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. इट इज सो इम्पॉर्टेंट, इसको हमें आगे ब्रीफली भी पढ़ना है. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच विटेकर साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था. इसमें इन्होंने एक न्यू किंगडम ऐड किया था, किंगडम फंगाई. स्टार्टिंग में किंगडम फंगाई को प्लांटी के अंदर रखा गया था, लेकिन बाद में कुछ उसके डिफरेंट फीचर्स के अकॉर्डिंग उसको किंगडम अलग से एक किंगडम प्रपोज किया गया. तो यहां पर हम वापस से एक बारी देखते हैं. टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय लिनियस व्हिच इंक्लूड्स इन किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमल. देन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हेकल. इट इंक्लूड्स किंगडम प्रोटिस्टा. देन फोर किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटिस्टा, मोनेरा, एनिमेलिया एंड प्लांटी. इसके बाद आता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में एक न्यू किंगडम ऐड होता है, दैट इज कॉल्ड किंगडम फंगाई. इसके बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं कार्ल बोस. कार्ल बोस ने इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में एक और किंगडम ऐड किया. एक्चुअली इट इज नॉट एडिंग. यहां पर जो किंगडम मोनेरा के बारे में हम डिटेल में बात कर रहे थे कि कुछ जो सेल्स होती हैं ये टू कैटेगरी में डिवाइडेड होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. उनके बेसिस पर जो कोपलैंड साइंटिस्ट हैं, सॉरी कार्ल बोस जो साइंटिस्ट हैं हमारे, इन्होंने मोनेरा को ही टू डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जिसको हम बोलते हैं यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया. अकॉर्डिंग टू कार्ल बोस यहां पर हम सिक्स किंगडम्स के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट यू बैक्टीरिया, सेकेंड आर्की बैक्टीरिया, थर्ड किंगडम प्रोटेस्टा, फोर्थ किंगडम प्लांटी, फाइव किंगडम एनिमेलिया एंड सिक्स किंगडम फंगाई. इसके बाद हमको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की डिटेल स्टडी करनी है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.